बैद्यनाथ की नगरी देवघर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद बिहार के इन जिलों में एयरपोर्ट बनाने की मांग उठने लगी है। आजादी से पहले बिहार में 21 रनवे और एयरपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन आज मात्र 3 हैं। पिछले एक साल में इस एयरपोर्ट पर यात्रियों का परफॉर्मेंस रहा है बेहतर, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं। क्या बिहार में एयरपोर्ट को विकसित करने से डरती है सरकार? बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद अब बिहार के कई जिलों में एयरपोर्ट की मांग में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में बंद पड़े एयरपोर्ट को एक बार फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रदेश में एयरपोर्ट की शुरुआत करने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है। हम बिहार में वर्तमान में एयरपोर्ट की बात करें तो राजधानी पटना के साथ दरभंगा और गया एयरपोर्ट अपनी सेवा दे रहा है, जबकि पूर्णिया, भागलपुर, रक्सौल, गोपालगंज जैसे कई शहरों में एयरपोर्ट की मांग उठने लगी है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगर हम विस्तार से देखें तो पूर्णिया एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत सूचीबद्ध कर लिया गया है, साथ ही साथ भागलपुर एयरपोर्ट पर छोटे विमानों की सेवा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के जिन राज्यों में एयरपोर्ट की मांग की जा रही है उसमें पूर्णिया का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगर अगला एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें पूर्णिया का नाम सबसे पहले आएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण आज़ादी से पहले दरभंगा के महाराज ने बनवाया था। बता दें कि वर्तमान में यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के पास है। वर्तमान में इसके रनवे में फिलहाल काम चल रहा है, साथ ही साथ इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम कर लिया गया है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट की शुरुआत हो सकती है। देवघर एयरपोर्ट की शुरुआत होने के ठीक बाद भागलपुर एयरपोर्ट की शुरुआत की मांग तेज हो गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे हवाई सेवा की शुरुआत हो सकती है। बता दें कि यह एयरपोर्ट आकार के मामले में बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यहाँ से छोटे विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का विस्तार भी नहीं हो सकता, इसलिए छोटे विमानों की शुरुआत की जा सकती है। फिलहाल जो बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि भागलपुर से कोलकाता के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की जा सकती है। भागलपुर के बाद गोपालगंज और रक्सौल में एयरपोर्ट की शुरुआत की मांग तेज हुई है। बता दें कि रक्सौल एयरपोर्ट को सरकार काफी दिनों से विचार कर रहा है कि इसका विस्तारीकरण किया जाए, इसको में पुनर्निर्माण की बात कही जा रही है। बता दें कि यह नेपाल के पास का जिला है, जिससे कि बिहार और नेपाल का संबंध बेहतर हो सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। वहीं अगर हम गोपालगंज की बात कर लें तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लोग दुबई से आते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में रक्सौल और गोपालगंज में एयरपोर्ट को बनाने को लेकर सरकार के सामने दो विकल्प हैं, दोनों पर विचार किया जा रहा है। इन दोनों ही एयरपोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में सरकार को इसे नए सिरे से बनाने पर विचार करना होगा। इन एयरपोर्ट के अलावा कई और ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर हवाई सेवा बहाल करने की बात कही जा रही है, जिसमें सुपौल, बेगूसराय, मोकामा, किशनगंज और मुजफ्फरपुर है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को विकसित करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चला, लेकिन इसके विस्तार की संभावनाएं अभी भी कम ही दिखती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी से पहले देश में 2 दर्जन एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उसकी हालत बहुत ही खराब है। कई ऐसे रनवे हैं जिनका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है, जबकि डुमराव जैसे एयरपोर्ट का स्थिति अब तो बस ये है कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है। कहा जा रहा है कि इन जिलों में अगर एयरपोर्ट की शुरुआत होती है तो छोटे और मंझले विमानों की उड़ान इन रनवे पर शुरू हो सकता है, एक बार फिर से इन रनवों में जान आ सकती है। केंद्र सरकार के लचर रवैये के कारण आज प्रदेश में दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट का विकास पूरी तरीके से रुका हुआ है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने बड़े ही जोर शोर से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बहुत ही जल्द इस एयरपोर्ट में वो तमाम सुविधाएं मिलने लगेगी जो देश के अन्य एयरपोर्ट पर मिलती है, लेकिन आज भी इसकी स्थिति जस के तस है। बिहटा एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार का रवैया ढूलमुल दिखता है। दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति यह है कि
यहाँ बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियाँ यात्रियों को दी जाती है। यात्रियों ने कई बार इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दरभंगा एयरपोर्ट की किरकिरी की है। अगर हम दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्थिति को देखें तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वह पटना एयरपोर्ट को भी तोड़ता है। यहाँ पे यात्री पटना से भी ज्यादा आए और गए हैं, यानी कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद सुविधा के नाम पर प्लास्टिक की कुर्सियां उन्हें बैठने के लिए दी जा रही है।